अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हो। तो फाइनली हम यहाँ अफरीदी कैटल फार्म पहुँच गए, जिसका मुझे काफ़ी टाइम से शौक था कि मैं अफरीदी कैटल फार्म में और उनके हैवी जो जानवर हैं उनको देखूँ लाइव। क्योंकि पहले भी एकदम मंडी में था, रात में तो बहुत रश थी, तो उस वजह से मैंने कोई शॉर्ट भी नहीं बना सका पिछले व्लॉग की बात का। और इस टाइम अफरीदी कैटल फार्म का जो सबसे हैवी जानवर है ना, वो हमारे पीछे खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास हसाम भाई हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। हसाम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो या हसाम भाई, आप बता सकते, सबसे पहले तो उसका नाम बताएगा। नाम बादशाह सलामत है। बादशाह सलामत, यार बहुत मज़े का नाम है यार, मुझे इस तरह के नाम बहुत पसंद है, बादशाह सलामत। तो इसकी कुछ डिटेल्स बताएंगे कि वज़न कितना है और हाइट कितनी है इसकी। वज़न तो इसका तकरीबन 40 से 45 मन है। 40 से 45 मन। हाइट इसका तकरीबन 5.5 या 6 फीट। तो माशाल्लाह यार, मतलब के भाई ने जो हमें बताया, बहुत ज़्यादा वज़न भी इसका मतलब अच्छा है और उसकी हाइट भी मतलब के बहुत अच्छी है, देख सकते हैं हमारे कद के बराबर तो आ ही चुका है जानवर। तो इससे पूछते हैं कि ये यहाँ तक किस तरह पहुँचे, मतलब कितना हैवी किस तरह किया इन्होंने, क्या क्या खिलाया, तो कुछ बता सकते हैं यार। यार ये ना रोज़ाना का एक टाइम का जो है ना 8 से 9 किलो दूध पीता है। 8 से 9 किलो यार, पूरे दिन का तकरीबन 20 किलो दूध पीता है। 20 किलो टाइम पीता है। और 6 से 7 किलो एक टाइम का घी पीता है, असली घी। असली घी, हाँ जैसे। और वो तो लग रहा है आज, मतलब माशाल्लाह से सारी जो प्रोटीन्स वगैरह थे उनको देते हैं, वैक्सीन प्रॉपर वैक्सीन होती है। मतलब अच्छा, ये वो इंजेक्शन वाला सीन तो नहीं? नहीं नहीं, और कुछ इंजेक्शन नहीं, नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। तो कैटल इंडस्ट्री में जो होता है ना, इसका हमारी गारंटी होती है। तो मतलब क्या है भाई का कहने का मतलब, ये कि इसको हमने फुल प्योर चीज़ें दी है, देसी घी वगैरह दूध, मतलब कि फुल प्योर चीज़ें दे के इसको यहाँ तक पहुँचाया। और मतलब कि अब ये चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस जो है उस मुताबिक इसको सेल किया जाए। तो प्राइस तो भाई बता रहे नहीं, क्योंकि अभी ये मंडी जब हम इंशाल्लाह शराब बोर्ड में लगेगी तो फिर सबको बताएंगे इसकी प्राइस वगैरह। तो अभी हम निकलते हैं दूसरी तरफ, तो मिलते हैं। तो भाई फाइनली हम स्टैंड कटर फार्म के जो हैवी जानवर है उसके पास आ गए। मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये ब्लैक सिंह का नाम है, बहुत प्यारा नाम है। और तो वो जो इनके जो क्लाइंट वो थोड़े बिजी, इन्होंने बोला आप वीडियो बना लो, तो हम थोड़े बिजी हैं जिसकी वजह से नहीं इंटरव्यू दे। तो मैं बता देता हूँ इसके क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या वज़न है इसका। भाई वज़न मुझे इसने बताया कि 40 पन वज़न है इसका। तो जैसे कि पीछे आपने अफरीदी कटर का देखा, उनके 50 मन का जानवर, तो मतलब कि अब तक फर्स्ट वो चल रहा है, तो सेकेंड इसका 40 पन वज़न है। तो आप इसके शशके चेक करें। भाई फाइनली हम आ गए ये थर्ड नंबर पे, हमारे पास सुरमा वाले मिले। इनके पास भी एक बहुत मज़े का हैवी जानवर, जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, खूबसूरत। तो अभी हम कबीर भाई से पूछेंगे, तो इसकी डिटेल्स वगैरह बताएंगे, क्या इसका वज़न कितना है और हाइट कितनी है, उसका क्या नाम है। तो कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम। कबीर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कबीर भाई हम आए हैं आपके सुरमा वालों के, खूबसूरत बहुत मज़े के जानवर होते हैं आपके पास। तो यार ये जो पीछे मुझे देखे हैं, इसको कोई पहले नाम बताएंगे, हमने क्या नाम रखा होगा इसका? माशाल्लाह हमने इनका नाम डॉन रखा हुआ है। डॉन रखा हुआ है भाई, बहुत मज़े का नाम है यार, डॉन रखा हुआ है। तो इसका क्या वज़न और हाइट इसकी? वज़न तकरीबन 35 से 38 मन। 35 से 38 मन, मतलब कि भाई 38 मन का जानवर है। और इसकी हाइट कितनी? हाइट तकरीबन 6 फीट, मतलब 6 फीट, हाँ 6 फीट लग रही है मतलब कि। और इसको ये पूछेंगे भाई, इस तरह इसको पाला किस तरह, यहाँ तक किस तरह इतनी मेहनत की गई है, तो कुछ थोड़ा सा इंटरव्यू दे सकते हैं? बिल्कुल। तो मतलब कि बता रहे हैं कि इसको किस तरह हमने पाला और कैसे इसको यहाँ देखें। ये जैसे छोटा बच्चा पलता है उसी तरीके से हम इनको पालते हैं, क्योंकि हम इनको बड़े प्यार से पालते हैं, दूध पीते हैं, बादाम वगैरह। जाहिर सी बात है, ऐसे तो माशाल्लाह लग रहा है कि पला हुआ है नेचुरली, जो हम खुद प्रोड्यूस इनके चीज़ें करते हैं खुद इनको। ठीक ठीक है। तो जैसे कि यार बहुत मज़े का जानवर है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे, और अभी निकलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रही वन्य रात भंभो रमी अल्लाह, रही वन्य
नेक्स्ट हम आ गए हैं एक कैटल आइकन में जो हमें रास्ते में मिला है, जिनके बाद एक हैवी जानवर है, छोटे कद है लेकिन उसका माशाल्लाह वज़न भी ज़्यादा है। वज़न उसका 35 मन है और मतलब कि हाइट उसकी देखी जाए तो मेरा ख्याल 4 से 4.5 फीट तक है हाइट। तो पीछे मेरा खड़ा हुआ ये ग्रे कलर का, तो इसका माशाल्लाह इसकी प्राइस भी बताया, प्राइस वगैरह आजकल कोई नहीं बता रहा क्योंकि मंडी वगैरह कोई नहीं लगी शराब गोड वाली, क्योंकि वहाँ फिर सारी प्राइस इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि अभी सब ये इंडोर खड़े मतलब कि अपने अपने पहाड़ों में खड़े हुए हैं, तो जब ये शराब गोड वाली मंडी लगती है तो उसके बाद सबको वहाँ खड़े करते हैं खूबसूरत करके साफ़ सुथरा करके फिर इनकी प्राइस बताई जाती है। अभी सब ने किसी ने भी प्राइस हमें नहीं बताई, तो आप इसके शशके चेक करें ताकि हम इसको ही जाएँ। तो भाई लास्ट जानवर तो आपने बहुत मज़े का मिला, पीछे देख रहे हुए सिंह वाला जिसमें हम बचपन में बोलते थे भाई चांद पहला गया चांद पहला गया, तो फाइनली आज हमने लाइव भी देख लिया भाई। तो ये थोड़ा शरारती भी है, थोड़ा हम डरे हुए तो आगे खड़े क्योंकि मारता भी है देख सकते हैं, तो ये थोड़ा पंगे भी कर रहा है। तो हमें इससे हमें भाई अभी हम इसकी डिटेल्स पूछेंगे, हमारे पास गुलाम भाई है, गुलाम भाई हमें इसके बताएंगे कि इसका हाइट और वज़न और इसके जो सिंग है कितने फीट है और सब डिटेल्स बताएंगे उसको किस तरह पाला है। तो गुलाम भाई अस्सलाम वालेकुम, हाँ क्या है तो गुलाम भाई अब हम इसकी डिटेल्स बता सकते हैं यार, इसका वज़न कितना है और उसका नाम क्या है और सिंग इसके कितने फीट हैं। इसका नाम सिंगू भाई है, इसके सिंग 3-4 फुट के सिंग है इसके, 3 से 4 फुट के। मतलब भाई यार सिंगू भाई नाम बहुत मज़े का नाम रखा क्योंकि सब में देखा इतना मज़े का नाम जो नहीं, तो सबसे अच्छा नाम इसका सिंगू क्योंकि सिंग भी और नाम भी मैच हो रहा है, मतलब सिद्धू मूसे वाला सीन चल रहा है सही है। तो और इसका कोई वज़न वगैरह बता सकते हैं? 30 मन इसका वज़न है, 30 मन वज़न है भाई, बहुत मतलब हैवी जानवर है ये भी, चांद बैल कभी इतना हैवी होता नहीं है मतलब के। और इसका इसको बता सकते हैं इसको पाला किस तरह और लाए किस तरह, क्योंकि ट्रक में तो बड़ा मसला होता होगा, इसके सिंग इतने बड़े आसपास जानवर को भी पंग मसला होता होगा। इसको बड़ी गाड़ी में अकेले लेके आए हैं, मतलब भाई बोल रहे हैं इसको बड़ी गाड़ी में अकेले लाए क्योंकि दूसरे जानवर के लिए मसला हो सकता है, सिंग विंग मार सकते हैं जख्मी भी हो सकते हैं। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका, हमने बताया मैंने टाइम निकाला। तो भाई मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि हमने आज आपको 5 जानवर आपको पूरी मंडी में हमने दिखाए, जैसे पहले फ्रीदी कैटल में सुरमा वाले तो सबके हमने जानवर दिखाए। तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं, तब तक आपके शशके चेक करें, तो मिलते हैं। बेचारा कितना छोटा सा है, मज़े का आज चेक करें तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो यार हमने जैसे कि आपने आपको सारे 5 जानवर दिखाए, मतलब बहुत जो हैवी जानवर हो जिनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब प्राइस तो बताई नहीं किसी ने हमें, तो मतलब सबने बोला कि भाई मंडी लगी तभी बताएंगे। तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं, तो हमारे साथ आज जुनैद भाई आए थे और फतेह भाई, मतलब सीन ऑन था, बहुत मज़ा आया मतलब कि आज। तो इंशाल्लाह आप दोबारा नेक्स्ट टाइम दोबारा भी मंडी पे राउंड मारेंगे क्योंकि अभी हमें और भी जानवर देखने।